हमारे देश में युवाओं की संख्या काफी अधिक है। हमारे यहाँ का कल्चर सुबह शाम के नाश्ते वाला है। जॉब और बिजनेस में बिजी लोगों के सामने स्ट्रीट फूड ही एकमात्र विकल्प है। शौकीन युवाओं की पहली पसंद स्ट्रीट फूड ही है। आज के जमाने में लोगों की अच्छी आमदनी के कारण क्रय शक्ति अधिक है। ऐसे टॉप 5 स्ट्रीट फूड के बारे में जानकारी जुटाते हैं। इनमें से ये 5 स्ट्रीट फूड है। छोले भटूरे। छोले भटूरे को दिल्ली का सुपरहिट स्ट्रीट फूड माना जाता है। दिल्ली एवं NCR में आपको जगह जगह छोले भटूरे के ठेले लगे हुए दिखाई दे जाएंगे और उस ठेले के 3 और खाने वालों की भीड़ दिखाई देगी जो अपनी बारी का इंतजार करती दिखेगी। इन ठेलों पर जो लोग खड़े होकर गर्मा गर्म छोले भटूरे खा रहे होंगे उनमें से कई गुना अधिक लोग पैक कराकर अपने घरों के लिए ले जाते दिखाई पड़ेंगे। इस बिजनेस में जहां स्ट्रीट वेंडर काम करते हैं वही इंटरनेशनल ब्रांड की बिकानो जैसी कंपनियां भी फ्रेंचाइजी के माध्यम से शहरों में होटल खोलकर एक्टिव है। इससे ये स्पष्ट होता है कि इस बिजनेस का स्कोप बहुत ज्यादा है और मार्जिन भी अच्छा है। ये बिजनेस सभी जगह अच्छे से चल रहा है। आलू टिक्की। आलू टिक्की को उत्तर भारत का प्रमुख व्यंजन माना जाता है। जब तवे पर उबले आलू की टिक्की मटर के साथ तली जाती है उसके बाद पत्ते पर जब चटनी दही और गोलगप्पे का चूरा डालकर तैयार किया जाता है उस समय देखने वालों के मुंह में अपने आप ही पानी आ जाता है। ये स्ट्रीट फूड उत्तर भारत से सभी शहरों गाँवों में बिकता दिख जाएगा। उत्तर भारत के लोग पूरे देश में जॉब या बिजनेस के सिलसिले में आते जाते रहते हैं। ऐसे लोगों की पसंद देखते हुए इस काम को करने वाले बिजनेसमैन पूरे भारत में आलू की टिक्की का व्यवसाय करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। ये बिजनेस सड़क के किनारे भी किया जा सकता है और इसे दुकान खोलकर भी किया जा सकता है। ऐसे बिजनेस करने वालों में हल्दीराम जैसे ब्रांडेड कंपनियां भी शामिल हैं। गोलगप्पे। गोलगप्पे पानीपुरी पानी के बताशे जैसे नामों से मशहूर ये व्यंजन पूरे देश में सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस व्यंजन की खास बात ये है कि इसे पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा पसंद करती हैं। वैसे गोलगप्पे चटनी दही चटक स्वाद वाले पानी तथा छोले मटर के साथ खाए जाते हैं। हर जगह पर ग्राहकों की पसंद को देखकर बिजनेसमैन अलग अलग तरह का स्वाद बनाने के लिए अलग अलग चीज गोलगप्पे में भरते हैं। गोलगप्पे को कहीं कहीं दही पूरी भी कहा जाता है। अनेक तरह के स्वाद वाले पानी से ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। मोमोज। मोमोज का नाम सुनते ही युवाओं के मन में स्वाद की बिजली सी चमक जाती है। मोमोज की शुरुआत भले ही चीन में हुई हो लेकिन ये मोमोज भारत को पहाड़ी प्रदेश असम अरुणाचल सिक्किम दार्जिलिंग लद्दाख से होते हुए पूरे देश में फैल चुका है। इस देश के कोने कोने में पसंद किया जाता है। स्ट्रीट फूड को पसंद करने वालों में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। ये व्यंजन दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ देहरादून शिमला अहमदाबाद जयपुर चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद भुवनेश्वर कोलकाता पटना रांची भोपाल लखनऊ जैसे शहरों में तो बिकता ही है। इसके अलावा मेरठ गाजियाबाद इलाहाबाद बनारस फरीदाबाद गुड़गांव जबलपुर इंदौर रायपुर बिलासपुर जैसे शहरों में भी शाम होते ही मोमोज के स्टॉल जगह जगह लगे दिखाई दे जाएंगे। इन स्टॉल्स में खरीदारों की भीड़ भी आपको दिख जाएगी। इस बिजनेस में इतना अधिक फायदा है कि लोग कुछ ही दिनों में फुटपाथ से ऊंची दुकानों में पहुंच जाते हैं और उनके झोपड़ी झुग्गी वाले किराए के इनके मकान उनके खुद के आलीशान मकान में बदल जाते हैं। समोसा। ये व्यंजन लोगों की जुबान पर इतना अधिक चढ़ा हुआ है कि जब भी चाय का जिक्र होता है तब उसके साथ समोसे का जिक्र जरूर होता है। इस बिजनेस पे लागत भी कम आती है। समोसे का बिजनेस अकेले भी किया जा सकता है और उसे चाट के ठेले में आलू टिक्की गोलगप्पे दही भल्ले आदि के साथ भी बेचा जा सकता है। इस समोसे की डिमांड बहुत अधिक है। ये सुबह शाम के नाश्ते में तो इस्तेमाल किया जाता है। दोपहर में अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं जहां पर आपको खाना नहीं मिल सकता तो ये समोसा खाने का विकल्प भी बन सकता है। समोसा नाश्ते से लेकर काम चलाओ खाने तक का काम करता है इसलिए इसका बिजनेस पूरे देश में बहुत अच्छे से चल रहा है।